अभी हमने देखा है कि एक चुनाव हुआ है कश्मीर में, कारगिल में, छोटा सा चुनाव है, हिल काउंसिल का पहला चुनाव है 370 के हटने के बाद, कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लेने के बाद, और उस चुनाव ने दिखा दिया कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है, और उस लद्दाख के लोगों ने भी कह दिया, कारगिल के लोगों के, हिल काउंसिल के लोगों ने कह दिया कि हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जो चल रहा है। उत्तर प्रदेश कश्मीर के अंदर भी राज्य का दर्जा वापस मिले, लोकतंत्र वहां फिर से स्थापित हो, और पूरे देश में 5 राज्य में चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है, मिजोरम है, और इन 5 राज्य के चुनाव में हम तो अपील करेंगे आपके माध्यम से, आपकी रैली से, कि हमारे जो भी साथी वहाँ है, जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, बदला ले लीजिए इस चुनाव में, इस चुनाव में बदला ले लीजिए मध्य प्रदेश में। वो जो आदिवासी के पूरे चेहरे पर पेशाब करने वाले, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके अब कहते हैं कि हमने आदिवासियों को सम्मान दे दिया, उस राष्ट्रपति को भी अपमानित करते हैं, और नीचे गांव में जमीन पर हमारे आदिवासी मजदूर है उनके चेहरे पर अब पेशाब कर देते हैं मनुस्मृति वाले, और इसीलिए बदला लेने का समय आ गया है। तो पूरे 5 राज्य में लोग जरूर बदला लेंगे, और 24 का चुनाव जो इस देश के लिए एक आज़ादी के आंदोलन से कम कुछ नहीं, उस लड़ाई को हम लोग जरूर जीतेंगे।